गदरपुर थाना क्षेत्र के सकीनिया में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक ग्रामीण को गोली लगने से ग्रामीण घायल हो गया। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि खुशालपुर रोड पर कामरेड डेरे की पुलिया पर बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग हुई। जानकारी के अनुसार सकीनिया चौकी प्रभारी और कांस्टेबल क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान कुछ बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिनका पीछा करने पर युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिसमें शोर सुनकर घर से बाहर आए युवक के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। 15 तारीख को एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटना थी, जिसमें हमारे बदरपुर थाने से एक प्रकाश मिश्र करके दरोगा है, एक कांस्टेबल इधर केला खड़ा थाना और बदरपुर थाने के बॉर्डर इलाके में चेकिंग के लिए गए थे देखने के लिए। उसी समय जो है वहाँ 2-3 लड़के, मुख्तार सिंह है, सोनी है, ये 2 लोग आए थे और ये वांटेड क्रिमिनल्स हैं, इनके खिलाफ पहले भी मुकदमा है। तो इनको ये लकड़ी चोर भी हैं, लकड़ी चोरी में इनके नाम प्रकाश में आया था। इन्होंने पुलिस को देख करके और वहाँ भाग करके दूर से फायर करने की उन्होंने किया है और उसमें फिर वहाँ से भाग गए थे लोग। तो इसमें हमने सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर लिया गया है और यथाशीघ्र इस साथ 2-3 लोग और भी हैं, सबको अरेस्ट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं हम लोग। सर, ग्रामीण कोई फायर लगाया है उसमें? एक कोई किसी कोई आदमी है जो बीच में कोई आ गया था, उसके एक नी से ऊपर का हल्का सा एक जो है वो उसको उसके स्किन को छूते हुए एक रगड़ खाते हुए गई है गोली गई, बहुत मामूली से चोट है, उससे ज़्यादा गंभीर मामला नहीं है। सर, पुलिस की तरफ से कितने राउंड फायर हुआ है? अब इसमें उनके तरफ से 2-3 राउंड उनके तरफ से हुआ है, पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायर किया, लेकिन बहुत दूर से तो भाग गए थे वहाँ से फिर मौके पर जब पुलिस ने फायर किया। तो इसमें 5-6 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। हर खबर में होगी हमारी नजर, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।